तो वाकई सच सुनना चाहती है? तो सुन, तो जैसी लड़की से शादी करना तो दूर, मैं उसे अपने आसपास भटकने भी ना दूं। अरे तू लड़की नहीं, तो भैंस है, भैंस, ब्लडी बफेलो। वो भैंस भी जब तुझे देखती होगी ना, उसे खुद में एहसास होता होगा कि मैं कितनी फिट हूं। तुझे पता है, तू तो वो म्यूजियम में रखने वाला नमूना है, लेकिन वहां तुझे रखेंगे कैसे? जगह जो कम पड़ेगी, है ना? एक बात बता, तूने कभी खुद का हुलिया देखा है? ये कैसे कपड़े पहनती है तू? वो जो तेरा मास्टर है, तेरा दर्जी, जब तेरे कपड़े सिलता होगा उसके तो हाथ दुख जाते होंगे ना? हाँ, ये डबल बेडशीट की चादर लेकर तेरी एक आध ड्रेस तो बना ही देता होगा। क्यों? अच्छा ये बोल, तू खाती क्या है? हाँ, तो सब कुछ खुद ही निकल जाती है या फिर वो तेरे परिवार वालों के लिए थोड़ा बहुत कुछ छोड़ देती है? एक मिनट, अब मेरे समझ आया, कहीं तेरे डैड इसलिए तो गरीब नहीं है क्योंकि उनकी सारी कमाई तो तेरे चारे में खत्म हो जाती होगी ना, है ना? ब्लडी भैंस, दूर दूर तक फिटनेस का नामो निशान नहीं है तुझमें, और आई मुझसे शादी करने। मुझसे करेगी शादी? मुझसे? अरे तुझसे शादी करूंगा तो मैं सोऊंगा कहां पर? हाँ, और तुझे रूम में कैसे ले जाऊंगा मैं? हाँ, क्या करूं, दरवाजा तोड़ दूं? कौन सा दरवाजा लगवाऊं पता? छोटा, मोटा, चौड़ा, तेरे साइज का कौन सा लगवाऊं? बड़ी मुझसे करेगी शादी? अरे नहीं करनी मुझे शादी। एक्चुअली आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए, मेरे लिए मेरा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मेरे डैड ने कोई डिसीजन लिया है तो वो सोच समझ कर ही लिया होगा। हम मेरे परिवार की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात है, तुम किसी कोने में पड़ी रहना सोफे की तरह। आई मीन वी आर गुड टू गो, राइट?